हेलो एवरीवन क्या मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही है तो कमेंट करके बता दो यस गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग वन एंड ऑल टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थर्ड चैप्टर एंड द थर्ड सेशन ऑफ जॉन मर्फीज बुक दोस्तों ये सीरीज जो हमने शुरू की है शेयर बाजार के ऊपर आप सबको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टॉक मार्केट की जर्नी इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट अब आपके सामने लेके आने वाले हैं थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड की वजह से हो सकता है मैं धीमा बोलूँगा बट स्टिल आप सब मैनेज करेंगे तो बहुत अच्छा है दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग चैप्टर थर्ड में पहुँच गए हैं ना तो अपना जो चैप्टर नंबर थर्ड है बुक का चार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है ये जो बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस की उनके लिए बहुत हेल्पफुल है भले ही आप कितने बड़े इन्वेस्टर हों ट्रेडर हों अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे अवेलेबल रहता है तो आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है दोस्तों चार्ट के बारे में जैसा कि आपको पता है मल्टीपल डायमेंसन्स होते हैं चार्ट के कई लोगों को लगता है कि सिर्फ कैंडल स्टिक्स ही होता है बट ऐसा नहीं है दोस्तों आज हम लोग ये सीखेंगे कि चार्ट भी अनेकों तरीके के होते हैं और वहाँ पर भी जो हम लोग लर्न करते हैं ना चार्ट में मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोगों को सीखना चाहिए तो मुझे ये लगता है कि अगर अगर आपके पास चार्ट का कंस्ट्रक्शन का इन्फॉर्मेशन नहीं है नॉलेज नहीं है तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हो जो कि दोस्तों ये 100% एजुकेशनल वीडियो है जॉन मॉफी की ट्रेडिंग की बुक है तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसी से रिलेटेड सवाल पूछें तो बेहतर रहेगा अदर क्वेश्चंस के लिए आप 9 बजे वाले हमारे प्रोग्राम में ऐड हो सकते हैं वहाँ पे आपको आपके जो भी अदर स्टॉक्स से रिलेटेड डाउट्स हैं फ्यूचर ऑप्शन से ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड वो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है चार्ट कंस्ट्रक्शन तो मैं चार्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में शुरू करूँ इससे पहले बोलना चाहूँगा ये जो चैप्टर है दोस्तों उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो चार्ट कंस्ट्रक्शन बार डायग्राम के थ्रू करते हैं दोस्तों देखिए मार्केट में बहुत टाइप का चार्ट होता है पहला होता है कैंडलस्टिक्स फिर होता है बार चार्ट फिर होता है पाई चार्ट और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग चार्ट्स होते हैं तो उनको हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग लॉन्ग रेंज की एनालिसिस भी करते हैं तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये वाला जो चैप्टर है आपको चार्ट रीडिंग के बारे में सिखाएगा दोस्तों बिल्कुल बेसिक सेशन है तो अगर आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है तो भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने टाइप ऑफ चार्ट्स हैं उनको मैंने मेंशन कर दिया है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है चार्ट्स के कितने टाइप होते हैं कौन से कौन से टाइप का चार्ट होता है तो दोस्तों इस वाले जो टॉपिक है इन वाला जो वीडियो है इसको हम लोग डायरेक्टली अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं ना और दिखाने का कोशिश करूँगा कि चार्ट किसका होता है कैसा होता है और उसका क्या फ़र्क पड़ता है ना दोस्तों तो उन सारी बातों को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ और जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ आप सबके सहयोग के बिना एक बार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो दोस्तों ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट अभी मैं आपको एक बेसिक एनालिसिस कर रहा हूँ हम लोग अभी कोई कंक्लूजन नहीं डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो जॉन मॉफी की किताब है उसमें लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स आर अवेलेबल कई लोगों को लगता है चार्ट माने सिर्फ यही होता है कि कैंडल uh, स्टिक्स होता है या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो होता है यहाँ पे जो चार्ट्स होते हैं वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं ना दोस्तों तो मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ और रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप इंटरेस्ट से समझने की कोशिश करेंगे तो ये देख लीजिए कितने टाइप के चार्ट हैं देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोटीन टाइप के दोस्तों चार्ट हो गए मैं ये जो भी चार्ट्स हैं दोस्तों इसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा और इसका भी एक बुक लिखूंगा दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि बहुत सारी सेशन में बातें होनी है तो पूरा का पूरा इसको हम लोग नोट्स करेंगे और आप सबका फिर से स्वागत करना चाहूंगा बोस अकेडमी के ऊपर थोड़े दिनों से क्या दो दिनों के अंतराल के बाद हम लोग आए हैं लाइव और जो अपने वीकली कमिटमेंट्स थे वीडियोस के उसको मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो दोस्तों आज का जो है टाइप ऑफ ये टॉपिक का नाम है और इसमें हम लोग आज लर्न करेंगे किस किस टाइप के चार्ट हमें बनाने चाहिए क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है मैं यहाँ मैसेज कर देता हूँ टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों ये वाला जो वीडियो है ये ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि आप चाहे दस साल बाद बीस साल बाद भी अगर कोई नया ट्रेडर इस वीडियो को देखेगा तो उसको हेल्प मिले है ना मार्केट में क्योंकि क्या है बहुत सारे कंटेंट हैं लेकिन बेसिक कंटेंट की अभी भी कमी है जिसके वजह से लोग बहुत परेशान हैं तो ये जो बेसिक कंटेंट की कमी है उसको दूर करने के लिए ये वाला हम लोगों का इनिशिएटिव आपको कैसा लगता है बताइएगा जरूर दो हाँ दोस्तों तो अब हम लोग जो पॉइंट बुलेट पॉइंट्स मेंशन करेंगे टाइप ऑफ टेक्निकल चार्ट्स इसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जॉन मर्फी साहब की जो बुक है उसमें से आप देख सकते हैं कोई सा भी शेयर आप चाहें उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं और ये जो आपके बगल में लिखा है ना दीज आर द टाइप ऑफ चार्ट्स दोस्तों मैं आपके सामने मैंशन कर देता हूँ नोट कीजिएगा बार कैंडल हॉलो कैंडल चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौदह फोर्टीन टाइप के चार्ट हो गए दोस्तों। मैं लिख देता हूं, 14 आर अवेलेबल, ए ए, अवेलेबल। कहां है दोस्तों ये अवेलेबल ट्रेडिंग व्यू पे मतलब लोगों को लगता है सिर्फ कैंडल में ही ट्रेडिंग होती है ऐसा नहीं है दोस्तों मल्टीपल uh, चार्टिंग सॉफ्टवेयर में आप मल्टीपल डायमेंशन चेक कर सकते हैं इसका फ़ोन दोस्तों थोड़ा बढ़ा देता हूँ सिक्सटीन कर देता हूँ ताकि आप सबको दिखे और आप आप लोग नोट कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे जो सिक्सटीन टाइप हैं उनको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं पहला टाइप कौन सा हो गया पहला हो गया बार ये देखिए बार का बार टाइप इस टाइप का है तो नॉर्मली नाइन्टी परसेंट लोग आज के टाइम पर कैंडल 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 करते हैं बट मुझे लगता है कि जो ओल्ड प्रैक्टिशनर हैं या जो ओल्ड ट्रेडर हैं वो बार को भी यूज़ करती हैं देखिए बार चार्ट है आपका मैंने एग्जाम्पल लिए क्रूड ऑयल लिया है आप कुछ भी ले सकते हैं जिसकी एनालिसिस करनी हो आप डेड भी ले सकते हैं जो कि अभी लाइव है तो मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इस मार्केट में सीखने के लिए अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है अगर आपके पास विल पावर है अगर आपके पास ट्रू डिटर्मिनेशन है तो यह मार्केट में आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों ये वाला जो चार्ट है इस चार्ट को हम लोग बोलते हैं बार चार्ट तो पॉइंट नंबर वन नोट कीजिएगा इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट नंबर वन इज़ बार चार्ट तो जो हमारे जॉन मर्फी साहब थे उनका यही कहना था कि मार्केट में अनेको टाइप के चार्ट्स होते हैं इसको हम लोग अगर आपके पास ये बुक है तो पॉइंट नंबर थर्टी सिक्स पेज नंबर थर्टी सिक्स से डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों और लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर्स हैं या लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आर्ट को सीखना अब दोस्तों बार चार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने मैंने लगा दिया मतलब ये बार बार के फॉर्म में होता है और बार में भी आप देखेंगे तो टू टाइप्स के बार हो गए पहला ग्रीन बार और दूसरा रेड बार आप इसका चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं दूसरा रहा दोस्तों कैंडल्स जिसको हम लोग दिन रात यूज कर रहे हैं तो जो सेकेंड टाइप हो गया उसको हम लोग बोलते हैं कैंडल्स कैंडल्स टाइप्स दोस्तों कैंडल्स का टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालाइज करना अंडरस्टैंड करना अब दोस्तों जो तीसरा टाइप है कैंडल्स के बारे में आपको सेपरेट वीडियोस लेके आऊंगा क्योंकि कैंडलस्टिक्स एक डीएनए है, है शेयर बाजार के ट्रेडिंग का और खासकर जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको चार्ट के बेसिक जो बेसिक ए होते हैं उसमें आपको कैंडल सिखाया जाता है बट चूंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है तो आज हम लोग चौदह ऑप्शन को देखेंगे ऐसा वीडियो दोस्तों मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ यूट्यूब के ऊपर बहुत लिमिटेड कंटेंट अवेलेबल है हम लोग यहाँ पे जो भी वीडियो बना रहे हैं दोस्तों मैं पूरा खुद कंटेंट स्टडी करता हूँ और मैंने देखा है कि बहुत लिमिटेड चार्ट के टाइप्स अवेलेबल हैं कई लोग कहते हैं यार उसका फ़ायदा क्या है फ़ायदा मैं आपको एंड में बताऊँगा फायदा हर चीज़ का है सीखने में कोई नुकसान नहीं है हॉलो कैंडल की बात करते हैं ये रहा दोस्तों हॉलो कैंडल वाला चार्ट आप देख सकते हैं हॉलो कैंडल और कैंडल में फ़र्क यही होता है कि हॉलो कैंडल में क्या हो जाता है जो ग्रीन कैंडल होता है वो बेसिकली होलो हो जाता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉलो कैंडल अगर आपको बेसिक सीखना है टेक्निकल एनालिसिस का और आप अच्छा चार्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको पकड़ बनानी पड़ेगी हर एक टॉपिक पे उसके अलावा दोस्तों ये कॉलम चार्ट है आप देख सकते हैं ये कॉलम है कई आज भी जो ओल्ड ट्रेडर हैं ओल्ड एज ट्रेडर हैं वो यूज़ करते हैं कॉलम्स को और ये देखिए कॉलम्स में भी कैसा है ग्रेड और ग्रीन कॉलम बनता है कॉलम्स दोस्तों हमें बताता है प्राइस एक्शन जितना लंबा कॉल्यूम है उतना लंबा आप देख सकते हैं उसका प्राइस एक्शन है और दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे अभी जो ट्रेड चल रही है वो उसका रियल टाइम आपको डिफ्रेंशिएशन देता है जैसे आप पंद्रह मिनट का लगाएंगे तो ये देखिए ये आपको कॉल्यूम्स तो जैसे अगर आपने कभी क्रिकेट में देखा होगा ना किस ओवर कितने रन बने वो वाला जो चार्ट होता है ना उसको हम कॉल्यूम्स बोलते हैं दोस्तों तो ये भी एक नेक्स्ट टाइप का चार्ट है आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉल्यूम्स बोलते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ कॉल्यूम्स तो दोस्तों पांचवा टाइप होगा हम लोगों के पास मल्टीपल टाइप्स हैं सीखना हर चीज़ है प्रैक्टिस कुछ और एक भी करिए देखिए लाइन चार्ट हो गया दोस्तों है ना तो मैंने आपको पहले ही कहा था लाइन चार्ट तो मल्टीपल टाइप ऑफ चार्ट्स हैं और आप सब इसको एक एक करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं बट ज़्यादातर आज के टाइम जो यूज़ में होता है वो कैंडल्स ही होता है नो डाउट कैंडल्स की रोल बहुत ही ज़्यादा है और उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों ये है एरिया चार्ट एरिया चार्ट में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एरिया बना हुआ है आप इसका कलर थीम चेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा देखिए एरिया है तो आप इसको चाहें तो यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं चार्ट का जैसा चाहें आप वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं ना दोस्तों तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप जैसे चाहें इसको रेड कर सकते हैं आप इसका चाहें तो जो क्लाउड का कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी दी हुई हैं आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप चेंज कर सकते हैं टाइम चेंज कर सकते हैं ग्रीड की वैल्यू चेंज कर सकते हैं पोजीशन का आउटब्रेक चेंज कर सकते हैं तो ये जो नेक्स्ट टाइप है ये वाला टाइप है एरिया टाइप तो अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए एरिया टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा एरिया वाला टाइप ऑफ चार्ट तो हम लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन है अपॉर्चुनिटीज है सीखने के लिए दोस्तों ये दोस्तों बेसलाइन चार्ट है अगर आप बेसलाइन देखेंगे तो देखिए टू टाइप के बेसलाइन अवेलेबल होते हैं पहला होता है ग्रीन और दूसरा होता है रेड तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला बेस लाइन है मैं लिख देता हूं पॉइंट नंबर सेवन है बेस लाइन चार्ट फिर पॉइंट नंबर एट पे चलते हैं दोस्तों फटाफट मैं आपके सामने जो भी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट है सारा एक एक करके डिस्कस कर लेता है ये देखिए हाई लो है कई लोग हाई लो पैटर्न भी यूज करते हैं सीखने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है <coughs> हाई लो हमेशा दोस्तों आपको कैंडल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है जो भी हाई होता है वो बताता है अपसाइड और लो होता है वो बताता है डाउन साइड तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आठवा टाइप है उसको बोलते हैं हाई लो चार्ट तो दोस्तों ये सारे चार्ट के पैटर्न्स आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे अगर आप सीखना चाहते हैं और डिटेल में तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं दोस्तों ये चार्ट है जो कि बहुत यूज होती है जिसको हम बोलते हैं हैंकिंग एशी तो हैंकिंग एशी एक बहुत पुरानी पद्धति है जिसको हम लोग कैंडल्स की तरह ही यूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ मैंशन कर देता हूँ एच हैंकिंग एशी उसके अलावा दोस्तों आपके पास अगर कोई सवाल हो सुझाव हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं आपके जो भी सवाल सुझाव होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू चार्ट्स दोस्तों आज का सेशन है तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो भी सवाल हो वो चार्ट से रिलेटेड हो तो थोड़ा बेहतर रहेगा उसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं रैंको रैंको एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कैंडल्स की तरह काम नहीं करता है रैंको बेसिकली अपलो 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 को आप देखेंगे तो ये देखिए बिटकॉइन का रैंको चार्ट है वैसे ही आप किसी का भी रैंको चार्ट लगा सकते हैं आपके सामने रैंको की अवेलेबलिटी है आप देख सकते हैं कैसे पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये वाला जो है इसको भी आप मंथली भी लगा सकते हैं डेली भी लगा सकते हैं बट इसका साइज हमेशा छोटा होता है दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये रहा रैंको चार्ट जिसको मैं पॉइंट नंबर टेन पे लिख देता हूँ फिर इलेवेंथ पॉइंट रहेगा जिसको हम लोग एक एक करके दोस्तों आपके सामने सारे आपके सवालों का भी जवाब दूंगा रेंको के अलावा और क्या रह गया लाइन ब्रेक तो दोस्तों ये रहा लाइन ब्रेकिंग चार्ट लाइन ब्रेकिंग हमेशा दोस्तों कैंडल्स की तरह ही दिखता है बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हाई लोज की जो कंपैरिजन है वो ब्रेकिंग फॉर्म में होती है तो मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन ब्रेक है ना दोस्तों ये सारे दोस्तों चार्ट के टाइप हो गए आपको समझना बहुत ज़रूरी है और अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके पास नॉलेज बेसिकली सबकी होनी चाहिए भले आप ट्रेड खाली कैंडल देख के भी करते हैं तो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है कैंडल्स के ऊपर हम लोग स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे वहाँ पे हम लोग और सीखेंगे कितने टाइप के कैंडल होते हैं कैसे स्टडी करते हैं क्या क्या प्रोविजनिंग होती है कैंडल्स के स्टडी की आपको कैसा लगता है कंटेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों इसके अलावा कागी देख सकते हैं ये कागी है कागी पैटर्न बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है और ये वाला जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार होता है जैसे चार्ट होता है तो उसको मैं कागी चार्ट बोल देता हूँ दोस्तों और बिल्कुल पिक्टोरियल फॉर्म में शानदार लग रहा है कागी उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है पॉइंट्स एंड फिगर्स ये देख लीजिए पॉइंट्स एंड फिगर कुछ इस प्रकार का है इसमें सर्कुलर और क्रॉस सेप्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको पॉइंट्स देखने को मिलेगी तो मैं आपके सामने जो भी पॉइंट्स हैं उनको मेंशन कर देता हूं सर्कुलर और रेक्टेंगुलर दोस्तों पॉइंट होगी अब आप बोलोगे ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है ये जरूरत एज सच नहीं है बट आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप अदर फॉर्म ऑफ चार्टिंग भी सीखते हैं पॉइंट्स एंड फिगर के बाद आता है फिर रेंज है ना तो मैं लिख देता हूँ पॉइंट एंड फिगर इसके अलावा दोस्तों जो चौथा चौदहवा पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेंज रेंज बिल्कुल सिमेट्रिकल पैटर्न होता है आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दिखता है रेंज सर्कुलर होता है साइक्लिक होता है और बॉइडल फॉर्म में होता है ना तो आज के सेशन में हमने ये देखा कि कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं ना ये वाला जो सेशन है एक वली ट्यूटोरियल है जिनको मार्केट में बहुत डीप जाना है जिनको बहुत डीप सीखना है ये वाली जो हम बुक है चैप्टर नंबर थ्री है और बुक का नाम है जॉन मफ़ी की टेक्निकल एनालिसिस सीरीज उसका हम लोग चैप्टर थ्री डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों ये टाइप ऑफ चार्ट्स मैंने आप सबको बता दिए चौदह टाइप के चार्ट्स होते हैं हम आप सबके सामने इस जर्नल में मैंने मेंशन कर दिया है इसको आप लोग चाहें तो बाद में नोट डाउन कर सकते हैं या चाहें तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं ये दोस्तों आपके सामने फिर अब यहाँ पे देख लीजिए इस जर्नल में हाई लो ये देखिए दोस्तों इसको मैं लाइन के थ्रू ड्रॉ करता हूँ ये देखिए हाई हो गया क्लोज हो गया आपके सामने है दोस्तों ना ये पूरा पूरा पॉइंट आप देखिए ओपन लो अब एक कैंडल होता है दोस्तों जिसमें चार कोई भी कैंडल हो गया ये हम लोग एक बेसिक कैंडल की बात कर लेते हैं कोई भी बेसिक कैंडल तो जैसे हम लोग देख लेते हैं सपोज निफ्टी की बात कर लेते हैं ना निफ्टी अगर आपके पास दोस्तों निफ्टी की बेसिक जानकारी नहीं है तो आप निफ्टी में जाइए कैंडल सेलेक्ट कर लीजिए और कैंडल में आपको क्या सेलेक्ट करना है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए आवर्ली चार्ट तो अगर आप कोई भी आवर्ली चार्ट निफ्टी का देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा हाई आप देख लीजिएगा ऊपर हाई यहाँ पे लो आपके सामने टू पॉइंट्स हैं दोस्तों रखी हुई हाई दिखेगा लो दिखेगा अब दिखेगा और डाउन दिखेगा है ना इसको हम लोग बोलते हैं कैंडलिस्टिक्स बेस्ड एनालिसिस प्योर एनालिसिस है टेक्निकल टर्म्स में आपके सामने बताऊं तो हाई मतलब अपसाइड हाई हो गया लो मतलब लो साइड हाई हो गया और साइडवेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल देखने को मिलती है तो ये देख लीजिए ये वाला जो कैंडल है इसको हम बोलेंगे हाई इसको बोलेंगे लो इसको बोलेंगे ओपनिंग इसको बोलेंगे क्लोज तो ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों इस जॉन मफ़ी की बुक में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है आप देख सकते हैं कैसे इंटेल कॉरपोरेशन का चार्ट लिया है फॉर रेफरेंस पुराना है तो आप किसी का भी चार्ट ले सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है जॉन माफी की चार्ट को हम स्टडी करें हम इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख सकते हैं बट किसी भी कैंडल में या किसी भी चार्ट में खासकर कैंडल की बात कर रहा हूँ उसमें चार पॉइंट होंगे चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे फिन निफ्टी हो चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ हो उसमें चार पॉइंट हो गए आपके सामने ये चारों पॉइंट है पीडीएफ के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ हाई लो ओपन एंड क्लोज ये चार पॉइंट्स हो गए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं किसी भी कैंडल में चाहे आप वो कैंडल सिंपल हो चाहे वो कैंडल छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो बट बेसिक स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम आप देख सकते हैं ये आपके सामने मैंने लाइन चार्ट ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है जो कि आज के टाइम बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं है बट स्टिल आपके समझने के लिए आप लाइन चार्ट ट्रेडिंग कैपिटल है टोक्यो मतलब एक एक मतलब तो टोक्यो में पहले राइस की ट्रेडिंग होती थी ना उसमें हमने केंडल का कैंडलस्टिक्स की, शु, की शुरुआत हुई और कैंडल देखेंगे तो कुछ इस टाइप का पैटर्न होता है दोस्तों ये देखिए पॉइंट्स एंड फिगर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये सब एक टाइप होता है ना कैंडल आज के टाइम में वाइडली प्रेफर्ड है आप वाइडली मतलब आप देख सकते हैं डेली कैंडलस्टिक्स ऑफ इंटेल का चार्ट ठीक आपके सामने यहाँ निफ्टी का भी लगा सकते हैं बैंक निफ्टी लगा सकते हैं फिन निफ्टी लगा सकते हैं दुनिया भर की सारी चीजें लगा सकते हैं ये रहा चार्ट आपके सामने कैसा लग रहा है चार्ट बताइएगा जरूर हम लोग डेली डिस्कशन में इन चार्ट्स को डिस्कस करते हैं और इस चार्ट्स में आपको डिस्कस करने के लिए तीन बातें होती हैं पहला साइज ऑफ द चार्ट मैं यहाँ मैंशन कर देता हूं इन द मैं लिख देता हूँ इन द एनालिसिस ऑफ कैंडल्स कैंडल्स की एनालिसिस में दोस्तों हम लोग तीन बातें देखते हैं है ना थ्री पॉइंट्स थ्री पॉइंट्स टू बी नोटेड आपको हमेशा नोट करने चाहिए तीन पॉइंट पहला पॉइंट क्या हो गया दोस्तों साइज ऑफ कैंडल साइज ऑफ कैंडल दूसरा क्या हो गया कलर ऑफ कैंडल और तीसरा क्या हो गया दोस्तों साइज़ कलर के बाद और क्या हो गया मेरे पास दोस्तों आपके बहुत सारे पॉइंट हैं और मैं हर एक पॉइंट को आपके सामने बताने वाला हूँ इस सेशन में इस पैरामीटर्स पे साइज ऑफ कैंडल कलर ऑफ कैंडल और और क्या हो गया एक और पॉइंट रह गया था जिसको मैं आपके सामने रख देता हूँ ट्रेडिंग व्यू वाले एक्सेस पे ओपनिंग और हाई और लो उसको भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं ना तो आपका कैंडल का क्या है ओपनिंग प्राइस है क्या है लो प्राइस इसको भी आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए ओपनिंग हाई लो एंड क्लोजिंग ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना दोस्तों ये आपको हेल्प करेंगे मार्केट के एनालिसिस को समझने में तो अगर आप बिल्कुल नए हैं आपको कुछ नहीं आता टेक्निकल एनालिसिस कोई घबराने की जरूरत नहीं है सबसे पहले आपको क्या करना है बेसिक फिर से रिपीट कर देता हूं आप जाइए ट्रेडिंग एप्लीकेशन के ऊपर ट्रेडिंग व्यू वाले एप्लीकेशन के ऊपर जिसका भी चार्ट देखना है जैसे आपको कोई भी शेयर का देखना है जैसे पी एन बी देखना है एक एग्जाम्पल देता हूँ ये देखिए पी एन बी का एक मैं कोई रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं दे रहा हूँ ये देखिए ये ये पी एन बी का शेयर देखना है तो आपके सामने ये वाला चार्ट लगा दिया ना दोस्तों तो आप देख सकते हैं कैसे ये चार्ट बढ़ा है और क्या क्या हो रहा है इसमें और आपके सामने जो भी चार्ट है इसको आप वीकली भी देख सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है वीकली देख सकते हैं मंथली देख सकते हैं और भी आपके पास अलग अलग टाइम फ्रेम्स है ना ये देख लीजिए ये साइज ऑफ द कैंडल हो गया ये हो गया कलर ऑफ द कैंडल और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया एक पैटर्न दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न तो इसके बारे में भी हम लोग डीपली समझेंगे क्या होता है पैटर्न बट उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला जो प्रोग्राम है ना वो आपको बेसिक ऑफ कैंडलिस्टिक्स के बारे में बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन देगा प्राइस एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जैसे आपको लगता है कि मैं मंथली देखूं अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना है तो आप मंथली देख सकते हैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है आप वीकली खरीद सकते हैं आपको इंट्रा डे करना है तो आप पंद्रह मिनट भी कर सकते हैं बट ये वाले जो डिस्कशन है दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रहा दोस्तों जो अपना बेसिक कैंडलिस्टिक्स का एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम लोग यहाँ कह सकते हैं नॉट एब्सोल्युटली बट इट्स गोइंग टू बिकम एम पैटर्न और अ डब्ल्यू पैटर्न आप देख लीजिए ये देखिए ये कुछ ऐसा लगता है ना दोस्तों कुछ ऐसा चार्ट बन रहा है प्योरली अगर आप देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है दिखाना बट इमेजिनेटिव और कंक्लूसिवली देखेंगे तो आपको ये वाली बात समझ में आएगी तो दोस्तों आज का जो सेशन कर रहा हूँ ये दस साल आगे भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फंडामेंटल्स के अलावा जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उसका बेसिक जानने में हेल्प करेगा और ये वाला जो वीडियो है उसके लिए मैं हमारे स्टॉक मार्केट के लेजेंडरी टेक्निकल एनालिस्ट मिस्टर जॉन जे मर्फ़ी को सैल्यूट करता हूँ इन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी और किताब का नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट चूँकि आज संडे का दिन है हम लोग प्रयासरत हैं कि आप तक एजुकेशनल कंटेंट को एज़ इट इज़ लेके आएँ ट्रेडिंग वगैरह तो चलती रहेगी इसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहते हैं अगर आपको कोई और लर्निंग चाहिए अगर आपको मेटरिंग चाहिए कोई गाइडलाइंस चाहिए आप हम तक संपर्क कर सकते हैं आपके पास हम लोगों के डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं अगर आप चाहें तो पहुँच सकते हैं हम तक देख लीजिए दोस्तों ये सब स्केल हो गए कैसे हम लोग स्केल पे हम लोग चार्ट्स की एनालिसिस करते हैं ना आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डेली बार चार्ट बिल्कुल अर्थमेटिक और स्केलिंग बेस्ड होता है अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कैंडल्स में जिसको मैंने यहाँ मेंशन किया था वॉल्यूम तो साइज ऑफ द कैंडल को हम लोग वॉल्यूम भी बोलते हैं जो से शे भी शेयर में अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट आता है ना उसमें वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट आता है दोस्तों या कोई भी शेयर में करेक्शन आता है ना तो वॉल्यूम बेस्ड आता है जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसे कोई भी स्टॉक ले लीजिए जिसमें हमारा न, 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 मतलब कोई भी स्टॉक ले लीजिए जैसे फेसबुक ले लीजिए जिसको हम मेटा बोलते हैं ना तो उसमें एक वॉल्यूम बेस्ड सेल ऑफ देखने को मिला था आपको मैं दिखा देता हूँ कब हुआ था आप देख सकते हैं वहीं से अगर आप देखेंगे ना तो शेयर में मंदी आ गई और शेयर में डाउनवर्ड फेज आया ये वाला जो फेज है ना मेटा का आपको मैं दिखा देता हूँ चार्ट के माध्यम से भी दिखेगा आपको तो अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ना या ट्रेडर हैं तो आपको वॉल्यूम हेल्प करेगा चीज़ों को जानने में बट मुझे क्या लगता है कि एक 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 स्ट्रिंजेंट वे में अगर आप बोले या एक डिप्लोमेटिक वे में बोले तो वॉल्यूम बहुत कुछ डिफाइन करता है ये जैसे एक वॉल्यूम है वॉल्यूम हमेशा एक एक मतलब एक करेक्शन बताता है दोस्तों जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ सी निफ्टी का आई इंडेक्स है दोस्तों है ना कई लोग आजकल लोगों को लग रहा होगा आई शेयर बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं हम लोग भी चलिए आई शेयर में भी थोड़े से स्केप्टिकल हैं थोड़े से रेंज बाउंड हैं थोड़े से पैराबोलिक वे में बाई कर रहे हैं बट अगर आप देखेंगे तो ये जो बाइंग है ना ये वाला वॉल्यूम बता रहा है कैंडल का देखिए चूंकि आप आईटी इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते हो उसके लिए आप ईटीएफ खरीद सकते हो या आईटी बीस खरीद सकते हो लेकिन ये वाला जो साइज़ ऑफ कैंडल है आप ध्यान से देखना है इसने कितने दिन के हाइज को ब्रेक किया है नोट डाउन करिएगा ये देखिए काउंट कीजिए मेरे साथ और पूरा का पूरा लर्न कीजिए है ना दोस्तों मेरी लर्निंग मतलब आपकी लर्निंग स्किल्स दोस्तों अगर नहीं बढ़ पा रही है तो बहुत ही दुख होता है मुझे आप लर्निंग स्किल्स बढ़ाइए प्रॉफिट एंड लॉस के कट थोड़े टाइम के लिए टेंशन छोड़िए अगर आप ध्यान से देखोगे इस चार्ट को तो ये वाला जो पैटर्न बना है ना इसको बोलते हैं ब्रेकआउट नोट डाउन कीजिएगा जब तक ये वाले पैटर्न का लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक आई इंडेक्स प्लस में रहेगा मतलब क्लियर है कि अभी आई इंडेक्स यहां से आने वाले टाइम पे डोमिनेट करेगा इन्फोसिस टीसीएस विप्रो टेक महिंद्रा एच टेक जैसी कंपनियां परसिस्टेंट सिस्टम्स और माइंड ट्री इसके अलावा जो भी कंपनी हो गई बिरला सॉफ्ट इन सब में आपको थोड़ी बहुत रैली देखने को मिल सकती है रीजन क्या है

तो मैं इन लैंड डिस्कशन प्रेफर करता हूं दोस्तों कोई भी चीज़ का तो आप देख सकते हैं ये जो हुआ है ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार है ऐसा नहीं है कि कोई अलग है आपके सामने दिख रहा होगा ना इतने दिनों का जो कॉन्सॉलिडेशन था आई स्टॉक्स में उसको एक तरीके से यहाँ पर बल मिला है बल मिला है मतलब ब्रेकआउट मिला है तभी दोस्तों और ये वाला जो पॉइंट है अब लोग कहेंगे यार जॉन मर्फी की बुक क्यों पढ़ा रहे हो मेरे को पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को तो टिप्स चाहिए सिर्फ मेरे को तो जल्दी अमीर बनना है फिर भी अगर आपको जल्दी अमीर भी बनना है आपको जल्दीबाजी में टिप्स भी चाहिए तो भी ये वाली जो बुक है इसका आप सबको मैंने भेज रखा है जिसको नहीं मिला है मुझे व्हाट्सअप कर देना मैं भेज दूंगा फोर्टी टू नंबर पेज पे जाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं ये लिखा है अनदर पीस ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड ऑन द बार चार्ट इज वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत ही बड़ी चीज़ है मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स द टोटल

आपके सामने जो भी पॉइंट कह रहा हूं ना ध्यान से समझिएगा रिक्वेस्ट है इसको नोट डाउन कीजिएगा और आपके सामने जो भी सिस्टम system है सिस्टमेटिक काम करेंगे तो बेहतरीन रहेगा अगर आप सिस्टमेटिक काम नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा आप देखिए आईटी ने कितने दिनों का जो ब्रेकआउट है उसको समझिएगा इसलिए मैं कह रहा हूं अभी आईटी इंडेक्स को शॉर्ट नहीं करना है यही वाली बात मैं नौ बजे वाले सेशन में भी करूंगा दस बजे वाले में भी करूंगा जब भी करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज ओनली जो कि आई है हमारे परम आदरणीय अथर जॉन मर्फी चीख से तभी मैं कहता हूं दो हजार रुपये की पुस्तक नहीं है ये ये आपके जीवन का सारांश है अगर आपके पास ये सस्ती मिलती है फटाफट ऑर्डर करो फटाफट ये ई बुक से भी काम नहीं चलेगा प्रिंट आउट ले लीजिए अगर आपके पास समय नहीं है तो प्रिंट आउट ले लीजिए बट पढ़ना शुरू कीजिए सिर्फ मार्केट में पैसा मत लगाइए पढ़ना शुरू कीजिए मैं डेली कहता हूं पढ़िए पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आप किसी और पे एहसान कर रहे हैं आप खुद के ऊपर कर आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं रहता एक पेज देखो ना दो पेज देखो ना तीन पेज देखो ना यहाँ पे आज का सेशन का सबसे क्रिटिकल एजेंडा डिस्कस कर रहा वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट इसको तो एक कच्चा इंसान भी समझ रहा है ना ये निफ्टी का आईटी इंडेक्स है जो थर्सडे को हुआ है उसमें एक मेजर ब्रेकआउट हुई है जिसकी वजह से निफ्टी प्लंग कर गया ढाई पॉइंट ऊपर मतलब रॉकेट की तरह निफ्टी जो बढ़ा है उसका रीजन क्या था आई इंडेक्स में बाइंग और आई इंडेक्स में अगर आप चार्ट देखोगे ना देख लो खाली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू सेशन का ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों ऐसा चार्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा देखने को और ऐसा कंटेंट मैं गारंटी से कहता हूं पूरे यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी नहीं मिलेगा यहां मिल रहा है अगर आप समझने की इच्छुक हैं अगर आपके अंदर ट्रेडिंग स्किल बढ़ानी है तो आप ये वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा बाईस दिन का दोस्तों मैं यहाँ मैंशन भी कर दे रहा हूँ बाईस दिन का जो कॉन्सोलिटेशन था उसका मैं ब्रेकआउट आया मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा 22 दिन का जो ब्रेकआउट था, था वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है ना दोस्तों पॉइंट बाई पॉइंट आपके सामने जा रहा हूं कोई भी बाईस दिन का जो रेंज बाउंड ब्रेकआउट था वो आपको यहां पे देखने को मिला अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये जो बुलिश पैटर्न बना है अभी तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है तो जिस बंदे ने भी इस वाले पैटर्न के ऊपर पैसा लगाया होगा ही टन ऑफ मनी अगर आपने हमारा पुराने वीडियो देखा होगा मैंने पहले ही कहा था आईटी इंडेक्स के ऊपर फोकस करना है आईटी इंडेक्स चल सकता है ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ना मैं कोई टिप्स देता हूं और देता भी हूं तो ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू माई क्लाइंट्स लेकिन अगर आपको रियली really में सीखना है शेयर बाजार तो आप देखिए ये जो दो पैटर्न बने ये देखिए कि ये भी पैटर्न बना है इसने भी मतलब ये सब पैटर्न्स दोस्तों साइज ऑफ कैंडल बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है शेयर बाजार में आप पूछ के देख लीजिए दुनिया भर के जितने भी बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हैं साइज ऑफ कैंडल बहुत मैटर करता है अब यहां से एक ब्रेकआउट आया आप देखिए यहां पे 22 दिन लगे और यहाँ पे कितने दिन लगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात दिन के अंदर में एक नया ब्रेकआउट आया यहां पे बाईस दिन लगा है उस ब्रेकआउट में मतलब क्लियर है कि आईटी इंडेक्स अभी भी सात दिन के बाद ब्रेकआउट दे रहा है अब ये ब्रेकआउट देने का मतलब क्या है कि भैया आपने को आई का शेयर होल्ड करना है बेचना नहीं है खरीदना है कि नहीं वो आपका मन है लेकिन अगर आपके पास ट्रेडिंग कॉल है भी तो आपको बेचना नहीं है कोई भी आईटी का शेयर हो मैं मतलब सिर्फ इंफोसिस टीसीएस विप्रो की बात नहीं कर रहा हूं बीट एनी स्टॉक बट दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वॉल्यूम तो ये वाली जो बुक है आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में दोस्तों और मैं रियली really आप सबका थैंकफुल हुआ आज हम लोग सात बजे भी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक और लर्निंग सीरीज लेके आ रहे हैं तो सब लोग जो आ रहे हैं आप ज्वाइन करते जाना दोस्तों बहुत 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 कुछ सीखना है बैकलॉग्स क्लियर करने हैं लर्निंग के टाइम कम है लाइफ में सीखते जाना है और बस फटाफट ग्रो करना है आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है ये वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है ओपन इंटरेस्ट जैसा आप देख सकते हैं फ्यूचर्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट तो आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया मैंने पहले भी कहा था ओपन इंटरेस्ट का अगर आपको मतलब जानना है तो आप समझ सकते हैं ना ओपन इंटरेस्ट बेसिकली आउटस्टैंडिंग जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे सब आज आपने दस लॉट निफ्टी खरीदा पांच लॉट निफ्टी बेचा तो जो ओपन इंटरेस्ट होगा ना वो क्या होगा दोस्तों वो उसका टोटल आउटस्टैंडिंग होगा है ना दोस्तों मतलब बाई माइनस सेल जो भी होगा वो हम लोगों का ओपन इंटरेस्ट होगा तो आपके सामने ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट करूंगा आपको पूरा का पूरा जो वीडियो है वो एंड तक देखिएगा तो समझ में आएगा यहाँ पे एक पॉइंट और है ओपन देखिए ओपन इंटरेस्ट ज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड बाई लॉन्ग्स एंड शॉर्ट ऑफ टोटल ऑफ बोथ तो ये जो टोटलिंग होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई लोगों को लगता होगा कि ये सब सीख के क्या फायदा मेरे को तो पैसा बनाना है ये बेसिक नॉलेज है सर जी अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपने कैपिटल को बहुत रिस्क पर डाल रहे हैं बहुत बहुत ज्यादा रिस्क पे डाल रहे हैं बाकी सीखना समझना आपकी मर्जी नहीं समझेंगे तो भी कोई नहीं मार्केट तो आपको समझा ही देगा तो दोस्तों ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओपन इंटरेस्ट इज मार्क ऑन चार्ट विथ द हेल्प ऑफ सॉलिड लाइन अलोंग विथ बॉटम तो ओपन इंटरेस्ट बहुत देखना जरूरी हो जाता है किसी भी ट्रेड में इसको भी हम लोग समझेंगे ये देख सकते हैं कैसे आप ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट हमेशा जैसे आप चाहें यहाँ पे भी इस वाले चार्ट में आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं जैसे मैं निफ्टी का एग्जाम्पल ले लूं है ना निफ्टी दिसंबर फ्यूचर फ्यूचर की बात करते हैं ना निफ्टी दिसंबर का जो फ्यूचर है दोस्तों बहुत बहुत बहुत, बहुत बातें हैं ये देख लीजिए आपके सामने लगा रहा हूँ ओपन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट नाम का ये लगाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा क्या है यहाँ पे एक्चुअली आ नहीं रहा है जैसे रिलायंस का फ्यूचर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं बहुत ये देख लीजिए दोस्तों ये ओपन इंटरेस्ट का फ्यूचर है मतलब कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है ना रिलायंस के शेयर में ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्लियर कट है आप देखिए यहाँ पे जैसे ही ओपन इंटरेस्ट बढ़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब क्या शेयर में बाइंग आ गई ओपन इंटरेस्ट घटने का मतलब क्या सेल ऑफ़ हो गई कभी कभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है जब शेयर में सेल ऑफ़ आ जाती है तो ओपन इंटरेस्ट भी दोस्तों आपस में बहुत 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 कोर है आप देख सकते हैं दोस्तों वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का भी गेम बहुत सिमिलर है जैसे रिलायंस का शेयर में एक एग्जांपल देता हूं आप देखिए यहां पे यहां पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और एक अगर आप इंडिकेटर में खाली वॉल्यूम लगा दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूम भी बढ़ा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा जैसे यहाँ से बढ़ना लगा तो इट इज ए क्लियर कट इंडिकेटर कि बहुत शेयर इज गोना बी बोलेश मतलब शेयर अपसाइड जा सकता है शेयर बुलिश हो सकता है ना ये मैं आप तो सामने जो एनालिसिस कर रहा हूं ये रिलायंस इंडस्ट्री के एक पर्टिकुलर स्टॉक का कर रहा हूं आप देख सकते हैं यहां पे कैसे ओपन इंटरेस्ट टूटा फिर कैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और इसके बढ़ने की वजह से शेयर में एक रैली आई और ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम दोनों बढ़ा मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कि रैली स्ट्रांग है तो मैं यहाँ लिख देता हूं ओपन ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम इज deadly इंडिकेटर चाहे कुछ भी ले लीजिए मार्केट में प्रॉफिट ले लीजिए लॉस ले लीजिए ये जो ओपन इंटरेस्ट वाले लोग हैं ना ये हमेशा आपको बड़े टर्म में समझाएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जानी है अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है इट मीन्स कुछ बड़ा होने वाला है तो मैं लिख देता हूँ समथिंग सम बिग मोमेंटम मे बी एक्सपेक्टेड चाहे बाइंग साइड हो चाहे सेलिंग साइड हो ये ये जो मोमेंटम है ये किसी भी साइड आ सकती है इसके लिए आपको कोई इश्यूज नहीं है तो दोस्तों आपके सामने जो भी पॉइंट्स रख रहा हूँ बहुत 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 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और सेशनल पॉइंट्स हैं तो इनको आप चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतरीन रहेगा बाकी आज का सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा बहुत सारी बातें हैं सीखने आप आप देख सकते हैं वीकली और मंथली चार्ट के बारे में ऑलरेडी बार चार्ट के बारे में बोला है हम लोग यहाँ पे कैंडलस्टिक कंसीडर कर लेते हैं चाहे तो आप बार भी कर सकते हैं चाहे तो आप कैंडलस्टिक भी कर सकते हैं तो ये दोस्तों अपना चैप्टर थर्ड था जो कि आज कंप्लीट हुआ जॉन मफी की बुक है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल मार्केट्स हम लोग डेली एक नया चैप्टर डिस्कस करते हैं जब भी लाइव सेशन में आते हैं तो और रिक्वेस्ट करूंगा इस वाले बुक को आप लोग ज़रूर और पढ़ेंगे और आपको स्टॉक मार्केट की लर्निंग देगा ट्रेडिंग के बारे में सिखाएगा और क्या नहीं करना है इसके बारे में आपको बेसिक और आइडियोलॉजिकल जिसको कहते हैं ज्ञान वो आपको यहाँ से दे देता हुआ मिलता हुआ मिलेगा अगर आपके पास इसके अलावा कोई और सवाल है सुझाव है आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हम तक पहुंच सकते हैं ईमेल कर सकते हैं और रिक्वेस्ट करूंगा इस वाले वीडियो को बार बार देखें ये एक बेसिकली एक बहुत सिंपल वीडियो है बट कई लोगों को लगता है सब मुझे पता है पता है, है बट फिर भी देखिए क्योंकि एक स्टॉक मार्केट में सक्सेस उसी की होती है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज से सक्सेस नहीं होता है लेकिन जो एक ही काम बार 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 करता है ना आपको एक हैबिट बनानी होगी एंड दैट हैबिट कैन रियली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ चाहे आप अच्छा कर रहे हैं चाहे आप आज मीडियोकर हैं चाहे आप संघर्षरत हैं नया साल आपके सामने है क्या चुनौतियां हैं उससे निकलना है तो बेसिक्स के ऊपर काम करना होगा चाहे सचिन हो चाहे, चाहे दुनिया के कितने बड़े क्रिकेटर कितन हो अगर वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो नेट्स के ऊपर प्रैक्टिस बहुत करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट हैं मॉरली तो आप सिंपली आप अपने आप को रिस्की जोन में लेके जा तो तो रहे हैं तो बस यही कहूँगा लर्न कीजिए अर्निंग इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग तो थोड़ा टाइम दीजिए शेयर बाजार है और ये वाला जो दोस्तों वीडियो है इसको हम आपके लिए लेके आए हैं और इसका जो वीडियो का भी मैं आपके सामने गूगल ड्राइव पे इसको अपलोड कर दूंगा और जिसको भी चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आप लोग उठा लीजिएगा है ना ये वाली वीडियो और डेली हम लोग अभी फिर शाम को सात बजे जुड़ने वाले हैं एक लाइव शो लेके आया हूँ आज ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर अगली स्ट्रेटजी सिखाऊंगा तो जरूर जुड़िएगा और फिर रात को नौ बजे भी आज सेशन है तो आज बैक टू बैक दोस्तों तो सेशन है से, और आप सबका बहुत सारा स्वागत करूंगा और जो भी सेशन में आप सीखने को मिलता है आप लोग सीखिए समझिए और जुड़िए हमसे ठीक है दोस्तों चलिए इट्स टाइम टू से गुड नाइट एंड गुड लक नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा जिसमें हम लोग फोर्थ पॉइंट में जो एजेंडा डिस्कस करेंगे वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड्स तो उसको भी सीखेंगे हर रोज़ एक नया टॉपिक लेके आऊँगा और इसी बुक से लेके आया हूँ ये वाली बुक जरूर से ज़रूर पढ़िएगा ठीक है।, है दोस्तों चलिए इस टाइम टू से गुड लक एंड बाय थैंक यू